हाय फ्रेंड्स, आज एक मूवी रिलीज हो रही है मेरी भाग्य लक्ष्मी, जो कि ऑलरेडी 6-7 महीने पहले बॉम्बे में रिलीज हो चुकी है और अभी इंदौर में रिलीज हो रही है, जिसमें मैंने भी एक छोटा सा रोल प्ले करा है, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर रोमी खान जी हैं और जो कि लगी है मधुमिलन में इंदौर में। तो अभी हम लोग वही मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। हमें मार्केट में जितना पेमेंट देना है उसके लिए अपनी कंपनी के सारे शेयर बेच दो और उससे जितना भी पैसा आए मार्केट वालों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लेकिन सर, सबको पता है कि सिंघानिया कंपनी पहले ही बहुत नुकसान में चल रही है, इसलिए हमारे शेयर इतने डाउन हो गए हैं कि अगर हम उसे मार्केट में भी निकालेंगे तो हमारे यहाँ कुछ नहीं आएगा, उल्टा हमें नुकसान में ही शेयर देने होंगे। सिंघानिया कॉर्पोरेट्स के शेयर कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। सर, एक ही रास्ता है हमें इस मुश्किल से निकलने का। वो क्या है? अगर हम एक कपूर एंड कपूर माल का ऑर्डर दे देते हैं तो हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। तुम सही कह रही हो टीना, लेकिन इस हालत में कपूर एंड कपूर शायद हमसे डील करने को तैयार नहीं होगा। सर, एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। टीना, तुम एक बार फिर सारे लीगल पेपर कपूर एंड कपूर को ईमेल कर लो। हम एक बार फिर कपूर एंड कपूर से मीटिंग करेंगे। ठीक है सर, मैं करती हूँ। यस, बोलो टीना। सर वो सिंगापुर से कॉल आया था कि क्या टीना, बोलो। सर, अपना गारमेंट्स का माल जिस जहाज से आ रहा था, समुद्र में तूफान आने की वजह से वो जहाज पानी में डूब गया। सर, और वो अब क्या कोई बुरी खबर देने को बची है? इससे बुरी खबर क्या होगी टीना, जब से मेरी शादी हुई है तब से बुरी खबर सुनने को मिल रही है। लोग कहते हैं शादी के बाद घर में लक्ष्मी आती है, लेकिन यहाँ तो रोज लक्ष्मी जा रही है। सर, एक्सक्यूज मी सर, अब तुम क्या बुरी खबर लाया? सर, हम लोगों ने ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मार्केट से जो डबल इंटरेस्ट पे पेमेंट ली थी ना सर, उन लोगों को पता चल गया कि हमारी कंपनी ना लॉस में जा रही है और वो लोग कॉल कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब देना? कहते हैं अभी सिंगापुर से माल निकला ही नहीं। ठीक है सर, अब तुम क्या खबर लाई? सर, जहाज डूबने की न्यूज सबको पता लग चुकी है, सुबह से ही सबके कॉल आ रहे हैं, लोग अपना माल और पैसा मांग रहे हैं। अब अगर कोई फोन आया तो कहना हमें कुछ वक्त दीजिए, बॉस बाहर गए। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है राज, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, हमें 2-3 दिन का वक्त दीजिए, फिर हम फाइनल करते हैं। थैंक यू सर। गलती की जरा सी भी गुंजाइश ना बचे। बिल्कुल सर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। जी सर, सारे पेपर्स रेडी हैं और हम लोग मीटिंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हेलो राज, आइए कपूर साहब, वेलकम। थैंक यू। बैठिए। कैसे हैं आप? फाइन सर, आप बताइए। बस फर्स्ट क्लास। थैंक
महाराज, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है। बहुत अच्छा लगा मुझे तो।